अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब इस पुलिस स्टेशन में तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन के खिलाफ शिकायत की गई कि वो मिसिंग है, यानी ख्वाजा मुजीबुद्दीन जो चेयरमैन है उर्दू एकेडमी के, वो लापता है। इसकी शिकायत अब इस पुलिस स्टेशन में की गई। बड़ी अफसोस की बात है, जहां इनकी जिम्मेदारी है कि आवाम के मसलों को हल करे, लेकिन वहीं पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जा रहा है जिसको कुछ नहीं आता, और वो लापरवाह होते हैं और आवाम के मसलों को समझने वाले नहीं होते। ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो उर्दू अकेडमी हो, चाहे वो हज हाउस हो। ऐसे कई इदारे हैं जहां पर ऐसे लोगों को बिठाया गया जो सिर्फ और सिर्फ चंद पॉलिटिशियनों की बात सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और अपना घर भरते हैं। आवाम के मसलों को हल करना या उनके परेशानियों को समझना इनमें से किसी को भी नहीं आता, और यही वजह है कि आज एबिट्स पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट की गई। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे इस तेलंगाना में जहां आवाम के मसलों को हल करने के लिए इस तरह से ओहदे दिए जाते हैं, वो लोग अपने ओहदों को सही इस्तेमाल नहीं करते, आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और आवाम के जेब से जो रुपया आता है मोटी रकम तनख्वाह लेते हैं, और जो आवाम को स्कीमात मिलनी चाहिए गरीब लोगों को, वो अपने अपने रिश्तेदारों में दिए जाते हैं, और इस तरह से लाखों करोड़ रुपए बना लेते हैं और इस तरह से लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। जरूरी है कि फौरन हुकूमत की जानिब से तवज्जो दे और फौरन ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त करे जो अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं समझ सकता। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। परदा तेलुगु दा हम चेयरमैन को भी कबूल कर लिए, लेकिन अहम मसला यह है कि अब हमारे चेयरमैन साहब है कहाँ। सवाल ये है कि चेयरमैन साहब को कभी भी हम जाते हैं ऑफिस में तो जो ना वहाँ मौजूद नहीं रहते, पूरा ऑफिस जो ना पर वीरानी छाई हुई है, कोई वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर हम परेशान हैं कि हमारे स्टेट के उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब कहाँ हैं। हम इसी बात के लिए हम जो है ना आज पुलिस में कंप्लेन लिखाए हैं कि बराए मेहरबानी पुलिस हमारे चेयरमैन साहब का पता लगाए, ताकि वो जो है ना दफ्तर में आएंगे तो फिर हमारे मसाइल हम उनके सामने रखेंगे।